हाय गाइस, मैं हूँ प्रिंस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं न्यूली लॉन्च 2022 अल्टो K10 के बारे में। जी हाँ, ये है अपनी नई अल्टो 1000 cc के इंजन वाली। हाँ, नॉर्मल अल्टो जो आपने देखी है उसमें अपने को 800 cc का इंजन मिलता है, लेकिन फिर यार लोगों की एक नीड थी कि यार मतलब वो जो 800 cc में जो चलाने का जो मज़ा था ना अल्टो का, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा था। जो मज़ा अल्टो को चलाने में जो 1000 cc में आता है ना, वो मज़ा जो नॉर्मल अल्टो आ रही थी वो नहीं दे पा रही थी। तो भैया वही कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए एंड कस्टमर्स की नीड को समझते हुए मारुति ने लॉन्च कर दी नई अल्टो K10। ये है अल्टो K10। इसके अंदर आपको 1000 cc का वही जो मारुति K10 सी जो अपना इंजन देती है वो देखने को मिल जाता है, जो कि अराउंड आपको 66 BHP यानी 65 BHP मान के चलो, 90 Nm के आसपास का 89 Nm का जो है टॉर्क जनरेट करके दे देती है। तो देखो, पावर के साथ ही साथ 3 सिलेंडर का आएगा, 1000 cc का 3 सिलेंडर इंजन है। साथ ही साथ अगर गाड़ी के बाकी बॉडीज टू वेट रेशियो की बात करें, गाड़ी के वजन के हिसाब से बात करी जाए, तो जो पिकअप है ना यार, वो आपको बहुत सही देखने को मिलता है। भले आपको सुनकर लग रहा होगा हाँ यार 66 BHP, लेकिन जब आप इसको एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखोगे ना, तो छोटा सा मिनी पॉकेट रॉकेट जैसी वाली फील आएगी इसको चलाने में, क्योंकि वेट तो है गाड़ी का, ऑब्वियस बात है हल्का है ही, लेकिन साथ ही साथ जो पावर रेशियो, पावर टू वेट रेशियो में जैसे मैं बात करूँ, वो काफ़ी सही हो जाता है। तो गाड़ी को मैं चलाने में थोड़ा मज़ा जो है मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो देखो, डिटेल में बात करने वाले बेसिकली वेरिएंट्स बता दूँ तो पहले आता है स्टैंडर्ड, जो कि बेसिकली पूरा बेसिक वेरिएंट है, जो कि मैं सही बताऊँ तो जो टैक्सी है उसके लिए ज़्यादा यूज़ होगा। फिर आता है LXi, जो कि आप सामने देख रहे हो, ये इसका LXi वेरिएंट है। फिर इसके ऊपर चला जाता है VXi, फिर VXi प्लस, दोनों में आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब भाई ऑन रोड प्राइस बताऊँ ना, तो ये जो LXi वेरिएंट देख रहे हो, ये आपको इंदौर मध्य प्रदेश में आपको ऑन रोड पर जाएगा अराउंड 5.5 लाख रुपये, ठीक है, 4,80,000 इसकी ऑन रोड प्राइस आती है। तो 5.5 लाख रुपये जो है अप्रॉक्स ऑन रोड पड़ जाता है। एंड जो उसके नीचे वेरिएंट एक और आता है स्टैंडर्ड वेरिएंट, वो तो आपका अराउंड 4,80,000 के आसपास जो है ऑन रोड चले जाता है वो। लेकिन VXi और इसमें LXi और VXi जो VXi मैनुअल है, उसमें सिर्फ 20,000 का ही फर्क है, यानी वो आपको 5,75,000 के आसपास जो है ऑन रोड पड़ जाता है, जो कि आप वो जो देख रहे हो ना, ये वाला ये VXi वेरिएंट है इसका, उसका भी रिव्यू करेंगे अपन। अभी हाल फिलहाल LXi की बात करने वाले, 5.5 लाख रुपये आपको ऑन रोड देने पड़ेंगे अगर आपको ये चाहिए, अप्रॉक्स बता रहा हूँ। तो गाड़ी में क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो चाबी से बात करें तो चाबी आपको फिजिकली ही मिलेगी इसके अंदर, जो है सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती है LXi वेरिएंट है, तो नॉर्मल बेसिक सी की मिलेगी आपको, फिजिकली लगा के लॉक अनलॉक करना पड़ेगी गाड़ी। फ्रंट से आप लुक देख सकते हो, कुछ इस तरीके का जो है अल्टो K10 का लुक आता है फ्रंट से निकलने में। प्रोजेक्ट हेडलैम्प कोई भी वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, नॉर्मल कह सकते हो जो आपको हेलोजन लाइट सेटअप वही देखने को मिलेगा, चाहे आप VXi प्लस पे भी चले जाओ, यहाँ पर हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं आपको। एंड कुछ इस तरीके का लुक आता है फ्रंट से, नीचे इस तरीके की जो है ट्रेपेजॉइडल डिज़ाइन के साथ जो है ग्रिल देखने को मिल जाती है फॉर रेडियर एयर पैसेज, थोड़ी बहुत नीचे स्कफ प्लेट की प्लेसमेंट है एंड नॉर्मल बेसिक सा लुक आना फ्रंट में देखने को मिल जाता है। गाड़ी के साइड लुक्स की बात करी जाए तो यार थोड़ा सा कीचड़ है, मेरे को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, अरे भैया ये गए यस, हो सकता है यहाँ से क्लियर दिख जाए। तो ये देखो, कुछ इस तरीके का साइड लुक आता है अल्टो K10 का। तो डायमेंशंस की बात करी जाए तो अराउंड 3.5 मीटर जो है लंबाई है, 1.4 मीटर चौड़ाई है, 1.5 मीटर की हाइट ऑफर कर देती है। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक लेवल का मिल जाता है आपको देखने में, ये देख सकते हो कुछ ऐसा है, बाकी स्क्रीन पे लिख दूंगा कितना एमएम का है। एंड टायर इज अराउंड 145/55R13 13 इंच के अलावा मिलेंगे इसके अंदर। मैं एक बार और टायर प्रोफाइल बता देता हूँ, यहाँ पर है यस 145/80R13 13 इंच के स्टील रिम मिलेंगे। अगर आप टॉप वेरिएंट जाते हो तो उसके अंदर आपको थोड़े अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन के साथ जो है टायर देखने को मिल जाते हैं। बाकी ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके के ORMs देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेसिक है। फेंडर पे भी इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, फ्रंट में अपने वही नॉर्मल जो डिस्क ब्रेक्स मैंडेटरी कर रखे हैं वो आएंगे। कुछ इस तरीके के ORMs है, ब्लैक्ड आउट डोर हैंडल्स है वही बेसिक से मिलेंगे, यहाँ पर फिजिकल डोर लॉक अनलॉक करने का वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बाकी और कोई डिज़ाइन नहीं है ऐसा बॉर्डरिंग एरिया में। गाड़ी के रियर लुक से बात करी जाए तो 27 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर देखने को मिल जाता है। रियर से अल्टो K10 का कुछ ऐसा लुक आता है, काइंड ऑफ देखूंगे हल्का हल्का सा सिलेरियो से मैचअप करता हुआ लुक इसके अंदर दिया है। यहाँ पर आपको नॉर्मल हेलोजन टेल लैम्प्स देखने को मिलेंगे विद इंडिकेटर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट, नॉर्मल बेसिक सेटअप है। सुजुकी का लोगो है, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, सेफ्टी के हिसाब से दिखा रहे हो काफ़ी सही है, दो एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर अपनी जो है अल्टो K10 की यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाती है, सुजुकी का लोगो है। बाकी अगर आपको बूट स्पेस बताऊँ तो आपको जो है फिजिकली ओपन करना पड़ेगा, ये देख लो,
देखो बूट स्पेस की बात करी जाए तो 214 लीटर्स 240 लीटर्स की जो है बूट स्पेस आपको ऑफर कर देगी अल्टो कैट एंड विच इज ठीक है, काइंड ऑफ डिसेंट लेवल की जो है बूट स्पेस देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके की। डेप्थ बहुत अच्छी खासी डेप्थ मिल जाएगी, स्पेयर व्हील यहाँ पर देखने को मिल जाता है गाड़ी का आपको, विच इज सपोज टू बी आई थिंक या 145/80 सेम साइज का जो है स्पेयर टायर देखने को मिल जाता है एंड काइंड ऑफ अच्छे खासे लेवल की बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। बाकी फिजिकली बंद कर देंगे आप इसको, हाइट में यार बहुत छोटी है गाड़ी, ठीक है। ये मैंने फ्यूल टैंक बता दिया, 27 लीटर का फ्यूल टैंक है, इसको वापस उधर से ही अनलॉक करना पड़ेगा, आई थिंक ये लॉक हो चुकी है। तो ये पैसेंजर साइड एरिया डोर की बात करें तो कुछ तरीके की डोर ट्रिम है यहाँ पर, जो है पावर विंडोज नहीं मिलेगी, एलेक्सा वेरिएंट है तो मैनुअल विंडोज ही आएगी, स्पीकर प्लेसमेंट कुछ नहीं, मतलब स्पीकर की जगह दे रखी, आप आफ्टर मार्केट चाहो या शोरूम से लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। नॉर्मल ग्रे कलर की फिनिश के साथ जो है डोर ट्रिम मिलेगी यहाँ पर, नॉर्मल ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिल जाती है। बाकी रियर कंफर्ट एरिया की बात करी जाए तो देखोगे बताओ आपको उधर बैठ के, तो ठीक है यार, मतलब अच्छा खासा यार जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक लेवल का मिल जाता है। अन्यथा सपोर्ट ज़्यादा एक्सलेंट भी नहीं है पर डिसेंट लेवल का मिल जाएगा, लेग रूम भी डिसेंट लेवल का है एंड हेडरूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, ज़्यादा ऊँचा हुआ तो टच हो जाएगा फिर। बाकी नो हेडरेस्ट एंड रियर, फ्रंट में भी आपको दो हेडरेस्ट मिलेंगे विच आर नॉट एडजस्टेबल, फिक्स है ये भी एंड कुछ इस तरीके की रूफ है, कोई लाइटिंग वगैरह या प्लेसमेंट नहीं है, बाकी नॉर्मल बेसिक्स ऐसा इंटीरियर लगता है देखने में। तो या ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा खासा सीट कंफर्ट की बात करें तो अच्छे खासे लेवल का कंफर्ट मिल जाता है, ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल भी नहीं पर अच्छा खासा प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा मिल जाएगा यार। ऑब्वियस बात है यार, देखो बेस मॉडल है वो भी अल्टो K10 का, तो यार क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम, ठीक ठाक लेवल का मिल जाता है। बाकी आगे से बात करते हैं, ये डोर बंद करते हैं। यस, फ्रंट ड्राइवर साइड एरिया की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके की डोर ट्रिम है, यहाँ पर भी सेम ग्रे कलर की फिनिश है, पावर विंडो स्क्रीन डोर है, थोड़ी बहुत स्पेस है, बॉटल डोर की जगह है, यहाँ पर डोर लॉक अनलॉक करने का बटन है। सीट जो है वो आपको सिर्फ रिक्लाइनेबल एंड इंक्लाइनेबल है, आगे पीछे स्ट्रेट एडजस्ट कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा आपको, हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं आएगी बेस मॉडल में। यहाँ पर आपको फ्यूल लीड एंड बोनट खोलने के दो बटन देखने को मिल जाते हैं एंड बाकी और इंटीरियर से बात करें तो वाइड एंगल भी लेके बता दो एक मिनट, ये डोर बंद करते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर नहीं बताया ना, यहाँ पे स्पेस की कमी, ये यहाँ जो कंट्रोल देख रहे हो आपको टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं, बेसिकली थोड़ी बहुत जो यहाँ पर कंट्रोल्स है वो आपको इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से दिए हुए, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जब K10 आएगी तो उसकी यहाँ पर प्लेसमेंट है, तो ये यहाँ पर इंडिया में इतने सारे स्पेक्स नहीं है, वो टॉप मॉडल का जब बनाऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ पर हेडलाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं आपको, दैट्स इट एंड यहाँ एसी कंट्रोल्स है, सर्कल शेप में जो है एसी आपको देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके की शेप में आएगा। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऑब्वियसली बात नहीं मिलेगा, फिजिकल की लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे एंड एनिमेशन देख लो कुछ इस तरीके का मिलता है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन आएगी नहीं, VXI में आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, फिर अपर वेरिएंट्स में आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगवा सकते हो, तो लगवाना चाहो तो लगवाओ, इस चाहो तो इसमें भी लग जाएगी, अगर आप शोरूम से एसेसरीज में लगवाना चाहो तो यहाँ पर लग जाएगी म्यूजिक सिस्टम या इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो लगवाना। कुछ इस तरीके की MID है, बेसिक से MID यहाँ देखने को मिल जाती है, जो कि आपको ट्रिप मीटर के साथ आएगी, दो ट्रिप मीटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर में, बाकी कितने किलोमीटर चल चुकी है वो आपको बता देगी, तो बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन जो है वो शो हो जाएगी, बाकी सारे हजार्ड लाइट एंड RPM मीटर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, जो डिजिटल स्पीड है वो आपको शो हो जाती है गाड़ी में देखने में। बाकी CNG में भी आएगी ये गाड़ी तो काफ़ी सही है। वाइपर्स का थ्रो बताऊँ तो ठीक ठाक लेवल का है, अच्छे खासा लेवल से साफ कर देंगे, डिसेंट है, ठीक है बंद कर देते हैं अभी। यहाँ पर हेडलाइट्स की कंट्रोल देखने को मिल जाता है आपको, सेंटर कंसोल में यहाँ आर्मरेस्ट है, पीछे के लिए थोड़ी बहुत स्पेस है, 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, विच इज क्विक रिस्पॉन्स काफी अच्छा, पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी का, मुझे पसंद है। हैंडब्रेक की प्लेसमेंट है, थोड़ी बहुत स्पेस है दो कप होल्डर्स की, यहाँ पर कोई चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को नहीं मिलता, अपर स्पेक्स में आएंगे। AC के कंट्रोल्स आप देख सकते हो, रियर डिफॉगर एंड फ्रंट डिफॉगर के कंट्रोल्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, मैनुअल AC आएगा। बाकी आर्मरेस्ट की बात करी जाए तो कुछ इस साइज का आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, नॉर्मल अच्छी स्पेस के साथ मिल जाएगा, सफिशियंट स्पेस आपको देखने को मिल जाती है, दो एयरबैग यहाँ देखने को मिल जाते हैं, हजार लाइट का बटन यहाँ देखने को मिल जाता है, मैनुअल IRVM आएगा इसके अंदर, कोई डे नाइट इफेक्ट वाला जो IRVM वो नहीं मिलेगा, नॉर्मल बेसिक सा मिलेगा। यहाँ पर सनब्लाइंड है, यहाँ पर भी एक सनब्लाइंड है विथ नो वैनिटी मिरर, वायर मारुति काफ़ी कॉस्ट कटिंग करते हो, यहाँ पर आपको हेलोजन लाइट देखने को मिल जाती है एंड या बेसिक सा इंटीरियर है, बाकी तो और कुछ है नहीं। तो यही था न्यूली लॉन्च मारुति अल्टो K10 का LXI वेरिएंट यानी बेस मॉडल का एंड ऑफ डिटेल रिव्यू, होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मिलता हूं आपसे कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कार ब्लॉग या बाइक ब्लॉग के साथ, टिल देन पीस आउट एंड ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।